मेरे को लगे नहीं कि अभी मेरा होगा। क्या कर रहे हैं? गेम है तो बोलिंग आर्केड। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड गौरव और आज मैं अमरावती के टपारिया सिटी सेंटर मॉल में आया हूँ और आज मैं आपको ये मॉल घुमाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जाना भूले सर। बेल आइकन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुंचे और हमें पता चले कि हम और किस कंटेंट्स पे वीडियो बना सकते हैं। ये है मॉल की एंट्री। देखिए, दो हिरन या दो डियर्स जो है उनकी स्टैचूज लगी हुई है और यहाँ पे टपारिया सिटी सेंटर नाम भी लिखा हुआ है और इसमें बर्गर किंग भी है। और ये बाहर का एनवायरनमेंट आप देखो कितना अच्छा है, एक मेट्रो सिटी वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आइसक्रीम कोन बना हुआ है बच्चों के लिए, एक आइसक्रीम कोन बना हुआ जो कि बच्चों के लिए एक राइड है। और फिर कई राइड्स हैं यहाँ पे, कुछ अभी बंद है गर्मी की वजह से, जो शाम को खुलेंगे। ये भी एक राइड है सामने। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये रेड बस है। ये जो रेड बस है ये लंदन की जो ओपन डेक बस होती थी उससे सिमिलर है और ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों को मॉल में घुमाने के लिए। और यहाँ पे पूल टाइप का भी दे रखा है, ये फाउंटेन है जो इवनिंग में चलता है। मॉल के लोअर ग्राउंड फ्लोर पे स्मार्ट बाज़ार है रिलायंस का, जो कि ग्रोसरीज या घर की अदर आइटम्स की शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डी मार्ट होता है सिमिलरली ये भी है। बच्चे लोग एस्केलेटर पे ऊपर जाते हुए, क्योंकि ये थोड़ा नया है यहाँ के लोगों के लिए, बट क्वाइट गुड। एस्केलेटर ऊपर आ गए हम, ऊपर आ गए हैं अपर ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ से हम एंट्री लेंगे और फिर अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम मॉल में एंट्री हुए, यहाँ पे दो एस्केलेटर्स है, एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए। मॉल में एंट्री में लेफ्ट में रिलायंस ट्रेंड्स है और उसी के बाजू में स्केचर्स है। मॉल की एंट्री पे राइट में रिलायंस डिजिटल है और उसी के बाजू में जैक एंड जॉन्स का भी आउटलेट है। तो मैं एंट्री करते ही आप ये बाइक्स देख सकते हो जो कि राइड करने के लिए है और मॉल का दो चक्कर ₹100 में देते हैं, बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए भी है। और ये देख सकते हैं ये भाई साहब राइड करते हुए। पे ही फीलिंग परफ्यूम का भी काउंटर है के बाद में द मैन कंपनी का भी आउटलेट है। यहाँ पे काफ़ी सारे परफ्यूम्स एंड अदर चीज़ें है, साथ ही यहाँ पे शुगर का भी काउंटर देखने को मिलेगा कॉस्मेटिक्स के। यहाँ पे ओनली जैक एंड जॉन्स का आउटलेट है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है ये भी और ये फर्स्ट है यहाँ का अमरावती का। मॉल में लिफ्ट की भी सुविधा है। सामने कलर बार का भी एक काउंटर देखेंगे, कलर बार को अर्थ बड़ा कैरी बैग के स्टाइल में टपारिया सिटी सेंटर का ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। एडिडास का ये आउटलेट है। ये शॉप का भी आउटलेट है जो कि अमरावती का फर्स्ट द बॉडी शॉप है। यहाँ पे टसवा का भी आउटलेट है जो कि ये महाराष्ट्र के जो विदर्भ इलाके का फर्स्ट आउटलेट है आफ्टर नागपुर। सो अमरावती और इसके आसपास के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है उनमें ये पहला ही है। और साथ ही यहाँ पे पैंटलून्स भी है जो कि अमरावती का सेकंड पैंटलून्स है और काफ़ी बड़ा है अंदर से। और पैंटलून्स के बारे में तो क्या बताऊँ, सबको मालूम ही है आप लोग को। और पैंटलून्स के ही बाजू में आपको लिवाइस का भी स्टोर मिलेगा, लिवाइस की जीन्स पे हम लोगों ने मोस्टली पहनी ही होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रेयर रैबिट का भी आउटलेट है जो कि
अमरावती का फर्स्ट आउटलेट है। ये भी एक क्लोथिंग ब्रांड है। देख सकते हो कि तपारिया सिटी सेंटर मॉल जो है वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट डे को सेलिब्रेट कर किया था रिसेंटली इन लोगों ने। कहना चाहूँगा कि ये जो मॉल है तपारिया सिटी सेंटर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में एक ही मॉल है आफ्टर नागपुर, अमरावती और उसके आसपास के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर एक ही मॉल है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट इस मॉल की वैल्यू है। और साथ ही साथ बताऊँगा यहाँ पे आने के बाद ना प्योर मेट्रो सिटी वाली वाइब आती है, लाइक मुंबई में जैसा मुझे फील हुआ, या दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, ऐसे बड़े शहरों में जो मॉल्स की फीलिंग आती है, जो मेट्रो सिटी वाली वाइब आती है, वो सब यहाँ पे, और सारे के सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पे। सो ये अमरावती के लिए एक काफ़ी अच्छा है स्टार्ट। इसका भी शॉप आने वाली है जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। कि जो ये मॉल है यहाँ पे सेफ्टी प्लानेट के लिए जो हुए थे फंक्शंस, वो 3rd जून, 4th जून को और 5th जून को हुए। टाइमिंग्स 4 to 6 PM। ऊपर जा रहे हैं, देख सकते हो आप, मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी, देखते ऊपर का एरिया को। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मेट्रो का भी आउटलेट है, मेट्रो शूज का, और उसी के बाजू में लोफा का आउटलेट है। और लोफा जो है होम फर्निशिंग्स के लिए, इंटीरियर्स के लिए काफ़ी फेमस है। ओरिलिया का भी आउटलेट है, यहाँ पे डब्ल्यू का भी आउटलेट है जो कि वुमेन वेयर के लिए फेमस है। यहाँ पे लेवी का भी आउटलेट है जो कि पर्स के लिए, लेडीज पर्सेस के लिए फेमस है। फिर गो कलर्स है जो कि वुमेन्स वेयर के लिए फेमस ब्रांड है, और उसी के बाजू में बीबा भी है, वो भी एक वुमेन्स वेयर के लिए काफ़ी बड़ा ब्रांड रह चुका है और काफ़ी फेमस भी है। एंड देन उसी के बाजू में हमारे पास है एनामोर, अनदर वुमेन्स इनर वेयर ब्रांड। और फिर यहाँ पे जिवामी है जो कि एक और इनर वेयर ब्रांड है। यहाँ पे SB का भी आउटलेट है जो कि मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर के लिए फेमस है, अप्रेल्स के लिए इन शॉर्ट, और कई ब्रांड्स के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। रिलायंस ट्रेंड्स का फुटवेयर सेक्शन अलग से बना हुआ है, अलग से आउटलेट है। ये है मिस्टर DIY का आउटलेट, और इसमें काफ़ी कुछ मिलता है। DIY का जो आउटलेट है यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी, लाइक कार की एसेसरीज है, घर के लिए अदर जो इंटीरियर की फर्निशिंग की आइटम्स होती है, डेली यूज वाली टॉवेल्स और अदर आइटम्स, सो पीसेज, वो सब मिलेगी आपको यहाँ पे, सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोंटी कार्लो का भी आउटलेट है, बहुत कम जगह मोंटी कार्लो के आउटलेट्स होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये अपने विंटर वेयर और फैशन वेयर के लिए फेमस है। फिर साथ में यहाँ पे एरो शर्ट्स का भी आउटलेट है, और एरो के शर्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। पार्क एवेन्यू का भी आउटलेट है यहाँ पे, वन ऑफ द फेमस रेजिमेंट ब्रांड्स फॉर शूटिंग्स। देन यहाँ पे टाइटन, शायद ही कोई होगा जिसे टाइटन कंपनी घड़ी ना पहनी हो इंडिया में, वन ऑफ द फेमस ब्रांड इन वर्ल्ड। यहाँ पे सफारी के सूटकेसेस का आउटलेट भी है, तो आपको अगर सूटकेस खरीदने हो तो सफारी में ज़रूर आ सकते हो। यहाँ पे इंडियन टेरेन का भी आउटलेट है जो कि अपने अप्रेल के लिए काफ़ी फेमस है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शर्ट्स भी मिलते हैं, साइजेस भी बड़े साइज के भी मिल जाते हैं लोगों के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन गिव अ ट्राई। ये कलर प्लस का आउटलेट है, ये भी मेंस अप्रेल के लिए ही फेमस है। फेलो एसोसिएशन सिंस 1890, इसका भी आउटलेट है यहाँ पे जो कि मेंस अप्रेल के लिए काफ़ी फेमस है। स्पाइकर जीन्स का भी आउटलेट है यहाँ पे, साथ ही साथ स्पाइकर के कपड़े भी अलग आते हैं। और यहाँ पे मुफ्ती का भी आउटलेट है, और इनका भी अप्रेल्स काफ़ी अच्छे हैं, जीन्स वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, मैंने ट्राई किया हुआ है। और फेमस ब्रांड्स जॉन प्लेयर्स जो कि मेंस अप्रेल के लिए फेमस है, काफ़ी नामी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे मान्यवर का भी आउटलेट है, और मान्यवर तो आप सब जानते हो कि विराट कोहली कुछ दिनों पहले तक तो मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर थे। सकते हो कि कुछ अलग ही ये काउंटर्स वगैरह भी है, लाइक मोबाइल कवर के काउंटर है, O2 नेल्स इंडिया का भी काउंटर है, कुछ जूतों और मोजरीज की भी काउंटर है, और वहाँ पे सैंडल का वो भी बना हुआ है मिनिएचर काइंड ऑफ। मॉल में बैठने की सुविधा भी अच्छी है, बेंचेस लगे हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ताकि जिनको तकलीफ हो, थक गए हो, तो बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आइए अभी हम चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट की ओर।
पे मिराज सिनेमाज है और ये इनकार सीने पास यानी कि बॉक्स ऑफिस है जहाँ से आप टिकट्स लेके मूवी देख सकते हो। सेकेंड फ्लोर पे मार्केट 99 का आउटलेट है, मी एंड मॉम्स का भी आउटलेट है यहाँ पे। यहाँ पे डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC के भी आउटलेट्स है। यहाँ पे गजान मुखवास का भी काउंटर लगा हुआ है बट अभी क्लोज्ड है। फिर रूम फॉर डेजर्ट्स का भी आउटलेट है, यहाँ पे हॉट कॉफ़ी, कूलर चाय आपको मिल जाएगी और भी कई पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह मिल जाएंगे। बर्गर किंग का आउटलेट और फिर इसी के बाजू में फ्लेवर्स अरेबिया बाय जजीरा का भी आउटलेट है। यहाँ पे चालाटो इटालियानो का भी आउटलेट है जो कि आइसक्रीम के लिए फेमस है अपने, काफ़ी बैठने की सुविधा है बेंचेस है। सामने तुर्की वाला का आउटलेट है, फिर कामट्स का भी आउटलेट है जो कि मुंबई के पास हाईवे पे फेमस रेस्टोरेंट है। फिर बॉलीवुड भी है। Yeah.
तो तुर्की वाला का तुर्की आइसक्रीम जो है काफी अच्छा टेस्ट में, और ऐसे गेम्स खेलने के लिए आप डेफिनेटली यहाँ से आइसक्रीम परचेज करें, गेम खेले और फिर मस्ती के साथ आइसक्रीम खाए, क्योंकि काफी मजा आया और जो आइसक्रीम का फ्लेवर वो भी काफी अच्छा था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे एक्ट टू पॉपकॉर्न का भी काउंटर है और बनी मिनी द कैंडी शॉप भी है बच्चों के लिए, तो ये एक हेवन है। अभी हम थर्ड फ्लोर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर नाम लिखा है भूत बंगला। स्कैरी हाउस है ये उसका एग्जिट है। स्कैरी हाउस का 100 का पर पर्सन का टिकट है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पे करके आप टिकट ले सकते हो। कैपेलो सैलून भी है, उनको बाल कटवाने मेकअप करवाने हैं वो सब आ सकते हैं यहाँ पे। इस बोर्ड में हर फ्लोर वाइज जो है डिटेल्स दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा आउटलेट है, ताकि आप आराम से वहाँ जा सको। देखिए बच्चों के लिए ये टॉय कार्स भी है जिससे बच्चों को ट्रिप करवाया जाता है मॉल का, और फिर यहाँ पे भी पॉपकॉर्न का काउंटर है, फिश स्पा है, मसाज चेयर से यहाँ पे फिश स्पा है, टैटू का भी आउटलेट है यहाँ पे, आप टैटू बनवा सकते हो, महंगी लगवा सकते हो। एंड देन यहाँ पे मस्ती जोन है जो बेसिकली एक गेम जोन है। ये देखिए अंदर का मस्ती जोन जहाँ पे वर्चुअल राइड्स भी है, बाइक राइड्स भी है वर्चुअल, और भी कई गेम्स है बच्चों के लिए मस्त एकदम। स्नो व्हील भी है यहाँ पे, सॉफ्ट प्ले का भी है ये, और भी कई गेम के काउंटर्स है यहाँ पे। देखिए बास्केटबॉल का भी यहाँ पे है, 70 मूवी का भी है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे अंदर बच्चे जा सकते हैं। देखिए इसके अंदर बच्चे ऊपर जा सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, यहाँ से उतर के वापस आ सकते हैं। देखिए ये है क्रेजी टॉयज, कि आप टॉयज को पिक कर सकते हैं, अगर आप पिक करने में कामयाब हुए तो वो टॉय आपका। ऊपर भी है एक और क्रेजी टॉय का काउंटर, यहाँ पे स्काई वॉक सिमुलेटर भी है मात्र 150 रुपये में। हम मस्ती जोन में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी कई गेम्स है, यहाँ पे शूटिंग के गेम्स है, आर्चरी का है, यहाँ पे बॉलिंग है। देखिए बॉलिंग आर्केड, साथ ही यहाँ पे काफी सारे अलग अलग गेम्स और है बच्चों के लिए, एडवेंचरस गेम्स है, बैटमैन के, सुपर हीरोज के, ट्रांसफॉर्मर्स के, यहाँ पे बम्पर कार या गो कार्टिंग भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए बर्थडे पार्टीज भी पेरेंट्स जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गेम खेलने के लिए आपको मस्ती जोन तक कार्ड खरीदना मैंडेटरी है, और मैं आपको कार्ड के रिचार्जेस दिखा देता हूँ, आप अकॉर्डिंगली रिचार्ज कर सकते हो और गेम खेल सकते हो। जो गेम खेलोगे तो आपको जो टिकट्स मिलेंगे, उन टिकट्स को आप ये सब जो गिफ्ट आइटम है, टॉयज है, इनके बदले में रिडीम कर सकते हो यहाँ काउंटर से।
क्लब 27 कैफे रेस्टोरेंट लॉन्च भी है, यानी कि बार कम रेस्टोरेंट। सो जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी एक अच्छी जगह है। दिन है और दोपहर का टाइम है 4:15 का। गर्मी बहुत है फिर भी देख सकते हैं मॉल में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है इस मॉल से निकलने का, लेकिन आपके लिए मेरे और भी वीडियोस आगे आते रहेंगे, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और किस कंटेंट में और वीडियोस ला सकता हूँ आप लोगों के लिए प्लीज़ बताएं वो भी कमेंट करके, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियोस को शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को बजाएं ताकि आपको जब भी मेरे वीडियोस में अपलोड करूँ पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो पे जा सके। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।